आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। टेस्ट में बहुत लाजवाब लगती है और अगर मेरी तरह इस रेसिपी को बनाएंगी तो टेस्ट में बिल्कुल नॉन वेज की तरह लगेगी। तो चलिए बनाते हैं आज की कटहल की सब्ज़ी। तो आइए चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 1 kg कटहल जैकफ्रूट, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टमाटर कटे हुए, हरा धनिया, 3 तेज़पत्ता और 1 teaspoon जीरा। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इसका मैं गरम मसाला पाउडर बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, लहसुन की कुछ कलियां, 2 हरी मिर्च और अदरक, और साथ ही लिया है मैंने तेल। अब मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें मैं ये गरम मसाला जो खड़े मसाले लिए हैं वो मैं डाल दूंगी और इसको अच्छा सा बारीक पीस लूंगी। तो ये बन जाएगा हमारा होममेड गरम मसाला और ये मसाला इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा गरम मसाला रेडी है। अब हम प्यूरी के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो डाल देंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, और इसकी एक अच्छी सी प्यूरी बना देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम रखा है और हम थोड़ा थोड़ा करके कटहल को शैलो फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा पक जाएगा। और इसे चलाते हुए अच्छा सा हमें इसे शैलो फ्राई करना है। और हमारे सारे कटहल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इसे अब मैं निकाल दूंगी। ये हमारे जो कटहल है वो रेडी हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं 1 teaspoon जीरा और तेज़पत्ता डाल दूंगी, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको अच्छा सा हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। और जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तब इसमें हमने जो प्योरी बनाई है वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से तेल नहीं छूट जाता है। इसको तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है और इसे अच्छे से हिलाते हुए पकाना है और लो फ्लेम पे इसे पकाना है। और ये अच्छे से पक गया है और इसके अंदर से तेल भी छूट गया है, और इसे अच्छे से हिला देंगे। वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 3 teaspoon इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से हिला देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, नीचे नहीं लगने चाहिए मसाले। और अपने जो गरम मसाला डाला है वो भी इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मसाले को पकाएंगे जब तक कि इसका जो मसाले का जो ऑयल है वो बाहर नहीं निकल जाता, तेल नहीं छूट जाता, तब तक इसे हमें पकाना है। इसे हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है, इसमें से तेल छूट गया है। अब इसमें हमने ये जो फ्राई किए हुए तले हुए जो जैकफ्रूट कटर हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पूरी तरह से मसाले में इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट तक ढक के पकाना है जब तक कि इसमें से तेल नहीं छूट जाता है, अच्छे से ये पक नहीं जाते हैं इस मसाले में। और ये मसाले में अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी, जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हिलाएंगे
और इसको 10 मिनट तक, जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और हमारा बॉईल आ चुका है और ये हमारी जो कटहल की सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और ये हमारी कटहल की सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो आप भी अगर मेरी तरह इस कटहल की सब्ज़ी को बनाएंगे तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।